तीर तो दोबारा बन सकती लेकिन ये मटकी दोबारा नहीं जुड़ सकती। कहे कि मटकी टूट गई। लेकिन सासू माँ, हम कुछ नहीं सुनेंगे। अब मटकी तुमने तोड़ी है तो तुम्हें ही दूसरी मटकी लानी पड़ेगी, चाहे जहाँ से लेकर आओ, समझी? लेकिन सासू माँ, मटकी कहाँ से? सरग नरक कहीं से भी लाओ, पर ये मटकी तुम्हें लेकर ही आनी है। वाह अम्मा वाह, घर से निकालना ना सही लेकिन आपने तो मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी। गहना ना देके जो अपमान किया था ना, उसका इससे बढ़िया बदला नहीं हो सकता था। आज शरद पूर्णिमा की रात है, मटकी तो आज रात ही लगेगी। कप्तान साहब, आजकल आपको हमारे हर बात पे षड्यंत्र की बू आ रही है और आज भी हम ही गलत नजर आ रहे हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ले लीजिए छोटी चाची। ये हम अपनी लाए हैं। ये मटकी आप दोनों कहाँ से लाए? चाची ऊपर छत के स्टोर रूम में जगह में रखते हैं ना, वहाँ हमने इसे रखा था। सब ले लीजिए। मैं जानबूझकर मटकी नहीं गिराई थी, गिराई थी। दिव्या, अरे तुम काहे क्रोध में लाल पीला हो रही है? अरे क्रोध शरीर के लिए अच्छी चीज नहीं है। बिना मतलब को ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो धुकधुकी बढ़ जाएगा दीदिया, याद रखना। इसलिए तो कह रहे हैं कि हार्ट का इशारा समझो। हमारे हार्ट को कुछ नहीं होगा लेकिन बड़े बड़े राजा महाराजा अपने बेटे के वियोग में सिधार गए, लेकिन हम ना मिट्टी के नहीं बने। अरे हम अपने कोख के जने संतान को जब अपने उसूल के आगे तवज्जो नहीं दिए तो ये तो दो दिन की आई घर में नई की बहुरिया है। ठीक है दीदिया, लेकिन देखना कहीं हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। कोई गड़बड़ी नहीं होने थे। फिर छुटकी बहुरिया के आने से जो घर में उत्पात शुरू हुआ है ना, उसे खत्म करना बड़ा जरूरी। हमारे और समर के बीच अनबन करवा रही है, फिर बेटी और बहू के बीच में तनातनी करवा रही है। इस तरह अगर कोई हमारे घर की सुख शांति को आग लगाएगा ना,
तो हम उसकी खटिया खड़ी कर देंगे। अरे दिव्या, बिना मतलब का तुम घूम जा रही हो। अरे जब 40 साल में इस घर का हवा पानी नहीं बदला, उसी तरह से जिस तरह से 40 साल से इस खीर का खुशबू नहीं बदला, तो इस घर के माहौल को कोई कैसे बिगाड़ सकता है। देख लेना दिव्या, जिस तरह से तुम्हारे इस खीर के स्वाद को लेने से हम अपने आप को नहीं रोक पाते, उसी तरह से इस घर के रंग में रंगने से वो अपने आप को कैसे रोक पाएगा। लेकिन ये खीर तो कल ही मिलेगी लेटर। अरे दीदिया, आप जानती हो दीदिया, ये खीर हमको रात में सपना में भी आएगा। सासुमा, अब ये मत कहना कि तुम्हें मटकी मिली नहीं। दीदिया, अरे छोटकी बहू तो मटकी लेके आई है। नहीं जल्दी सासू माँ, ये छत पर गमले के पास रखा था। अरे वाह छोटकी बहू, तुम्हारा दिमाग तो लोमड़ी की तरह चाला। इस घर में आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए कि घर का चप्पा चप्पा छान ली। इतनी जानकारी तो हमें भी नहीं। जियो जाओ, जाके गेस्ट रूम में सो। जी सासू माँ। अरे मल्लिकाइन, लेकिन हुआ का तो ऐसे खराब हो गया है, अब हुआ इनको नींद कैसे आएगी। लेकिन वो तो अभी थोड़ी देर पहले चल रहा है। कटोरी, तुम्हारे कमरे में एसी है? एसी? और हमारे कमरे में कैसन बात करती है मनकाइन। अब हम भले एसी उसी में सोतेंगे, ये सब हमको शोभा देगा का? तो तुम्हें नींद आती है? जब तुम्हें बिना एसी के नींद आ सकती है तो इन लोगों को भी आ जाएगी। बुढ़को पनो माटी में, अब इनको हम उपाठ पढ़ाएंगे कि पकोड़े में मिर्चा जैसे भूल नहीं पाएंगे। कल की सुबह सब पर भारी पड़ेगी। हाँ इधर रख दो। ए झरझर वाली, ये देखो हो गया हवा का जुगाड़। ए पंखा बहुते दिनों से धूल खा रहा था कमरे में, पर चलता एकदम जोरदार है। थोड़ी सा धूल वूल साफ करो, शायद चल जाए। जरा देख लो कहीं चूहा हुआ ना काट गया उसकी तार। आओ। लेकिन दीदी, क्या हम पंखे में सोएंगे? दीदी हमें तो बहुत डर लग रहा है, कहीं फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। दीदी वैसे हम इसके बिना सो सकते हैं। जब कभी मायके में लाइट चली जाती थी तो हम बिना पंखे के सो जाते थे। हाँ नहीं की बहू, सजा हमें गेस्ट रूम में सोने की मिली है, इतना काहे सोचना। चलो इसे साफ सूफ कर ले बढ़िया से। आओ लगाए गिन्नी, और नई की बहू उसमें फंस के
घूमे चक्कर घिन्नी, फराटा पंखा की हवा नई की बहू की हवा बिगाड़ देगा। और अब होगा कुछ और धमाकेदार तमाशा ये घर में। कल फिर सवेरे सवेरे ये हवा का हर जाना भरना पड़ेगा सिया बहू को। सासू माँ का तांडव देख के बहुते ही मजा आने वाला है।